लेडी के टोनग्यू पे लगे हैं कीड़े। हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से चींटी वाले घवद वाले कीड़े को निकाला। हैंड वाला चाकू छोटे छोटे आइस वाले कीड़े को निकाल दिया है। छोटा वाला चाकू हमारा दांत वाले कीड़े को रिमूव किया। और देखिए हमारा चाकू भी बेहद ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है कीड़े को। और देखिए घिनर टाइप के कीड़े भी निकल चुके हैं आसानी से। ब्लैक वाले खतरनाक कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। रेड वाले होल वाले कीड़े भी रिमूव हुए कटर वाले चाकू से। हमारा छोटा वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से ट्रीटमेंट किया कुछ कीड़े को। इसके पूरे ही टोनग्यू पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। मैंगोट्स के घवत भी रिमूव हुए आसानी से। छोटे छोटे होल वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं सेफ तरीके से। मैंगोट्स वाले घवत पूरे के पूरे रिमूव हुए। गंजा वाला चाकू हमारा बड़े बड़े दांत वाले कीड़े को निकाल दिया गया। हमारा कॉटमोल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए टाइमर चल चुका है और आप लोग देख सकते हो बहुत ही औसम तरीके से ट्रीटमेंट हो चुका है। निक पे लगे हैं बहुत सारा कीड़े। तो देखिए आंख वाले कीड़े बहुत ही सेफ तरीके से निकल के गिर चुके हैं पूरी तरह। और ये मुंह वाले कीड़े भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और देखिए हैंड वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से ब्लैक वाले कीड़े को निकाला। चिक्स पे लगे हुए कीड़े को भी हम लोगों ने सेफ तरीके से रिमूव किया। इसके पूरे ही गर्दन पे ज्यादा कीड़े लगे हैं वो भी घिनौने टाइप के। और हमारा क्रोम वाला चाकू होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये रेड वाला कीड़ा काफी ज्यादा घिनौना दिख रहा था उसको भी हम लोगों ने रिमूव किए। और देखिए चिक्स पे लगे हुए कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है।
गर्दन वाले कीड़े को हमारे पतले वाले चाकू ने सेफ तरीके से रिमूव किया। तो देखिए हमारे सिल्वर वाले चाकू ने भी बहुत ही सेफ तरीके से नेक वाले कीड़े को काटा। और हमारे बड़े वाले चाकू ने बड़े वाले कीड़े को औसम तरीके से रिमूव किया। आगे हमारे स्प्रे का बॉटल, और देखिए स्प्रे हम लोग मार रहे हैं इसके पूरे सिक्स पे लगे हुए कीड़े को। और देखिए दवाई हम लोग ने मार दिया, हम लोग चाकू से रिमूव करेंगे इसे। तो देखिए चाकू से रिमूव हो चुका है पूरी तरह औसम तरीके से। आ गया हमारा दवा। तो देखिए हम लोगों ने दवा थोड़ा डाला और एक जगह और हम लोगों ने दवाई डाल दिया है बहुत ही सेफ तरीके से। और आ गया हमारा क्रीम वाला दवा जो कि इसके नेक पे लगे हुए कीड़े को मारेगा ये बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हमारा कॉटन वूल रुई, और जो कि ये टाइमर हम लोग चलाएंगे और हम लोग अब डीप क्लीन करेंगे टाइमर चलने के बाद। तो फाइनली टाइमर चल चुका है और पूरी पीएस पे लगे हैं कीड़े। आज हम पूरा का पूरा डीप क्लीन करेंगे इसके पूरे ही फेस का ट्रीटमेंट करके। तो देखिए हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और देखिए रेतीला वाला चाकू भी बहुत ही सेफ तरीके से काट के रिमूव किया कीड़े को। और ये भी ट्राइपोफोबिया वाला कीड़ा बहुत ही सेफ तरीके से कट के निकल चुका है पूरी तरह। और देखिए होल वाले ट्राइपोफोबिया को हम लोगों ने बहुत ही औसम तरीके से निकाल दिया है। अभी देखिए हमारा सिकंजा वाला चाकू भी देखिए बहुत ही बुरी तरह कीड़े को निकाला। अभी हैंड वाला चाकू देखिए हमारे फंगल को काट के निकाल चुका है पूरी तरह। और ये देखिए छोटे छोटे मैंगोस वाले कीड़े थे जो ये भी रिमूव हो चुके हैं। और हमारा रेतीला वाला चाकू टाइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल दिया है। और ये भी होल वाले टाइफोफोबिया हैं जो ये भी सेफ तरीके से कट चुके हैं। और ये कुछ किनोरे टाइप के ट्राइफोफोबिया थे। और देखिए हमारा बड़ा वाला चाकू बड़े वाले ट्राइफोफोबिया को काट के रिमूव किया। आगे गोल्डन वाला चाकू। और देखिए चेहरे पर के पूरे पर के कीड़े निकल चुके हैं। हर लोग अब दवा लगाएंगे इसके पूरे ही चेहरे पे और इसके पूरे हेड पे भी हो गए हैं कीड़े। और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे रूई के आने के बाद। तो देखिए हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया है 3 2 1। तो फाइनली गाइस अब साइड पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रेड वाले कीड़े को एक ही बार में फिनिश कर दिया है।
और ये कीड़ों का घावत भी गिर चुका है बहुत ही पूरी तरह। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाला काट के। और देखिए हमारा बहुत ही फिनिशिंग डीप क्लीन करेंगे हम लोग आज। और ये छत्ते वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं। और ये मुंह वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हुए। और देखिए मैंगोस्ट का ढेर लगा हुआ था जो कि ये भी रिमूव हो चुका है। और ये कीड़ों का भंडार भी एक ही बार में फिनिश होके गिर चुका पूरा का पूरा। और ये जख्म वाला कीड़ा भी फिनिश हो चुका है। आ गया हमारा बड़ा वाला चाकू। जो कि ट्राइफोफोबिया आंट लगे हुए कीड़े को निकाल दिया है एक बार में। और देखिए हमारा क्रोमोला चाकू बहुत सारे कीड़े को एक ही बार में निकाल दिया पूरा का पूरा। और देखिए हमारा पतला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया। आगे हमारा वैक्यूम मतलब दवा, तो दवा क्रीम लग चुकी है इसके पूरी ही बैक साइड पे। आगे हमारा कॉटन वोल रूई। और हम अब लोग टाइमर चलाएंगे और टाइमर चलाने के बाद हम लोग देखेंगे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो फाइनली देख ही सकते हो आप लोग, हेलो गाइस, फुट पे पूरे ही लगे हैं कीड़े ट्राइफोफोबिया वाले। तो देखिए बड़े बड़े ट्राइफोफोबिया थे जो कि हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से चाकू के माध्यम से रिमूव किया। और ये चिंगारी वाले कीड़े हैं जो कि ये भी निकल चुके हैं औसम तरीके से। अभी ये केचुए वाले मैंगोट्स हैं। इसी में देखिए हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया है पूरा का पूरा, काट के रिमूव कर दिया है। और ये होल वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से कट के निकल चुके हैं एक ही बार में। और ये दांत वाले कीड़े बहुत ही खतरनाक थे जो कि इसको भी हम लोगों ने निकाल दिया है। भी गिनौने टाइप का कीड़ा को हम लोग काटेंगे वो भी क्रोमो वाले चाकू से। और देखिए हमारा क्रोमोला चाकू घिनौने वाले टाइप के कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल दिया पूरा का पूरा। और ये घिनौने वाला ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा है जो कि इसको भी रिमूव कर दिया हम लोगों ने।
और ये केचुएला मैंगोट्स वाला कीड़ा है जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के रिमूव हो चुका है पूरा का पूरा। अभी गोल्डन वाला चाकू हमारा काटेगा कुछ। तो देखिए घिनौने वाले टाइप के कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल दिया है पूरा का पूरा। और ये कुछ चीटी वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं। अब ये ट्राइपोफोबिया को काटेगा रेड वाले को। और ये रेड वाला ट्राइपोफोबिया बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है बहुत सारे कीड़े को। अब हम लोग इस पर दवा लगाएंगे क्योंकि और अच्छा उपाय नहीं है इसके लिए। तो देखिए दवाई भी लग चुकी है और आगे हमारा कॉटन बुल रोई। और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से, हमारा टाइमर भी चलेगा। तो देखिए टाइमर चालू हो चुका है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो टाइमर चल पूरी ही फेस पे लगे हैं कीड़े। और देखिए कुछ ये घिनौने टाइप के कीड़े को हम लोगों ने काट कर रिमूव कर दिया है एक ही चाकू से। और ये आंखों वाले कीड़े भी निकल चुके हैं कट के, एक ही बार में रिमूव हो चुके हैं। और ये घिनौने टाइप का कीड़ा भी देखिए सेफ तरीके से कट के निकल चुका है। और ये भी ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के निकल चुके हैं। तो हम लोग पूरा ट्रीटमेंट करेंगे आज इसके पूरे ही फेस का बहुत ही डीप क्लीन के साथ। और ये हमारा क्रोम वाला चाकू फंगल वाले कीड़े को रिमूव किया एक ही झटके में। और देखिए ये घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं ऑसम तरीके से। और ये ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस खतरनाक होते हैं रिमूव हुए। और ये छोटे छोटे फंगल वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के रिमूव हो चुके हैं। और ये हमारे गणासा वाला चाकू देखिए सेफ तरीके से रिमूव किया फेस पे लगे हुए कीड़े को। और देखिए घिनौने टाइप के कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं ऑसम लुक की तरह। और ये चीटी वाला भी किन्होंने टाइप का था वो भी रिमूव हो चुका है। तो देखिए पूरे के पूरे कीड़े को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। अब हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जगह भी दवाई लग चुकी है बहुत ही सेफ और ऑसम तरीके से। आगे हमारा कॉटन बुल रुई और हम लोग चलाएंगे अब टाइमर। अब टाइमर चल रहा है, अब टाइमर चल के